दोस्तों, यदि आप एमएससी केमिस्ट्री कर चुके हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आई है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये वेबसाइट खुली हुई है और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब सीपीसीबी की ओर से एक वैकेंसी आई है जो स्पेशली एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए आई है। हालांकि मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है उसमें एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के साथ साथ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए भी है, लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ और काफी डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूं कि यहां पर जो साइंटिस्ट बी की वैकेंसी निकले उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितनी एज लिमिट होगी, कैसा एग्जाम पैटर्न आपका होगा, ए टू जेड सब कुछ यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहेगा और उसकी स्टडी आप किस प्रकार से यहां पर कर सकते हो। तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना, एक एक पार्ट यहां पर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से देखने की यहां पर प्रयास जरूर करना। यहां पर मैं बता देता हूं कि यहां पर इस वेबसाइट पर आपको जॉब वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो ये पेज आपके सामने ओपन होता है जहां पर आपको ये वाला लिंक दिखेगा। यहां पर अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देखना हो तो यहां पर क्लिक करना, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हो। वेबसाइट आप जरूर नोट करके ये रख लेना। अब जब एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको यहां पर मिल जाएगा, डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। इसमें जितने भी पोस्ट निकले हैं कि यहां पर इसके अंदर जितने भी पोस्ट निकले वो साइंटिस्ट बी की हो, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की हो, जितनी भी पोस्ट है सारी डिटेल कंप्लीट यहां पर दे रखी है। क्योंकि मैं यहां पर स्पेशली केवल एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए मैं फोकस करूंगा केवल और केवल साइंटिस्ट बी की पोस्ट पर, क्योंकि एमएससी वाले स्टूडेंट यहां पर केवल साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को हमने काफी अच्छे से यहां पर समराइज किया है ताकि कम से कम समय में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जा सके। तो यहां पर अब आप यहां पर देख सकते हो, देखो यहां पर मैं बता देता हूं साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट निकली है उसमें जो पे स्केल होगा लेवल 10 का होगा। पे स्केल देख सकते हो बहुत ज्यादा यहाँ पर सैलरी आपकी रहने वाली है, 56,100 रुपए से लगाकर 1,77,500 तक आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली। टोटल जो पोस्ट निकले वो 62 है, 62 पोस्ट में इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी होंगे और एमएससी केमिस्ट्री की पोस्ट भी यहाँ पर है। मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। जो अनरिजर्व कैटेगरी 27 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्ट है, ओबीसी की 15, एससी की 10, एसटी की यहाँ पर 5 पोस्ट है। ये जो टोटल 62 पोस्ट है, इस 62 में से जो 3 पोस्ट है वो एक्चुअली फिजिकल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए रिजर्व है और जहां पर आप देख सकते हो बाकी जो पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज यहां पर आप देख ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिजिकल हैंडीकैप्ड में भी 3 तरह की डिसेबिलिटी यहां पर बता रखी है जिनको आप देख सकते हो, एक एक पोस्ट है तीनों प्रकार के डिसेबिलिटी के लिए। और यहां पर आपको बता देता हूं आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, फॉर्म 6 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहां पर ध्यान देना ये डेट निकल नहीं जाए भाई, 31 एमएससी केमिस्ट्री आपने कर रखी ना, तो आप भूल कर भी इसमें फॉर्म भरना मत भूले, इसमें फॉर्म जरूर भरना। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, 31 मार्च से पहले पहले यहां पर आपको अपना फॉर्म जरूर भर देना है। अब चलो आगे यहां पर हम बात करते हैं। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पर जो टोटल 62 पोस्ट है उनमें से 34 पोस्ट इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ये 4 पोस्ट भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और जो 24 पोस्ट है यहाँ पर मैं बेसिकली इनके बारे में बात करूंगा, ये जो 24 पोस्ट है इसके लिए आप साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, 24 पोस्ट है इसमें एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए, चाहे सेमेस्टर सिस्टम से हो या एनुअल सिस्टम से हो, चाहे आपने फिजिकल में एमएससी कर रखे हो, इनऑर्गेनिक में कर रखे हो, ऑर्गेनिक में कर रखे हो, आपका स्पेशलाइजेशन कोई सा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या जनरल केमिस्ट्री कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए। और या फिर यहाँ पर देखो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले, एनवायरमेंटल साइंस वाले बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एक चीज और दे रखी है, अगर आप नेट क्वालिफाई या पीएचडी क्वालिफाई है तो आपकी प्रायोरिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट एलिजिबल है नो डाउट, लेकिन अगर नेट आपके पास या पीएचडी आपके पास है तो आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, आपके सिलेक्शन के चांस थोड़े से एज कंपेयर टू ज्यादा होंगे। बाकी एमएससी वाले स्टूडेंट भी अगर इसका जो एग्जाम देते हैं उनके काफी अच्छे मार्क्स है तो फिर उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर होगा। एज क्राइटेरिया की बात कर सकते हैं, अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 इयर्स होगी। अदर कैटेगरी में कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, जैसे एससी एसटी के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए यहाँ पर 13 ईयर, और यहाँ पर देख सकते एक्स सर्विस मैन के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। कुछ और भी रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो मतलब आप पहले से ही सेंट्रल
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जॉब करते हो तो उस कंडीशन में आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं होगी। बस एक कंडीशन है कि कम से कम 3 साल आपके सर्विस को हो जाना चाहिए, उसके बाद ये कंडीशन लागू होती है। यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी का भी, कुछ यहाँ पर बता रखा है कि फिजिकल डिसेबिलिटी एक हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत फिजिकल डिसेबिलिटी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज्यादा ही फिजिकल डिसेबिलिटी फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पर क्लियरली बता रखा है कि आप आराम से खड़े हो सकते हो, चल सकते हो, बैठ सकते हो, लिख सकते हो, सुन सकते हो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, एटसेट्रा आप यहाँ पर कर सकते हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की कैटेगरी हो तो आपको टोटल ये मिलाकर टोटल 1000 यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू डी कैटेगरी के हो या फिर आप गर्ल्स हो, चाहे किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स हो, तो उस कंडीशन में फिर आपको यहाँ पर मात्र 250 रुपए पे करने पड़ेंगे। और एग्जाम पैटर्न की यहाँ पर बात कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो आपका जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब एक नंबर पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 25% कुल मिलाकर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जो पेपर होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे, उसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे, मतलब लिखकर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको लिखकर देना पड़ेगा। अब पेपर दोनों तरह का हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर भी यहाँ पर हो सकता है। आपका जो पेपर होगा, पेपर में 2 सेक्शन होंगे। देखो, एक पार्ट जो पेपर का उसमें जर्नल साइंस, जर्नल इंग्लिश, जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जो पार्ट सेकंड है वो स्पेशली केमिस्ट्री का होगा, जिसके अंदर 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो 40 नंबर के होंगे। सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब लिखकर उनका आंसर आपको देना पड़ेगा, जो 12 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन सी के अंदर 1 क्वेश्चन वो भी एसडीक्यू टाइप है, मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो 8 नंबर का होगा। तो टोटल जो आपका पेपर होगा उसके अंदर टोटल 84 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स का है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो सब्जेक्ट आपका जो सिलेबस है, सब्जेक्ट का केमिस्ट्री का सिलेबस, वो एक्चुअली गेट का सिलेबस है। मतलब गेट का अगर आपके पास कंटेंट, आप पहले से गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट की प्रिपरेशन जिससे भी कर रहे हो, आप किसी ऑनलाइन कोर्स के थ्रू हो सकते हैं या कोई स्टडी मटेरियल आपके पास है तो आप उसी से कंटेंट की प्रिपरेशन कर सकते हो, अलग से आपको कुछ भी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में और यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपके पास गेट का कंटेंट है तो आप उसी के तरफ अपने प्रिपरेशन करो। अगर आपको एचगुड क्लासेस की ओर से हेल्प चाहिए तो एचगुड क्लासेस एप्लीकेशन पर गेट के लिए, सीएसआर नेट एंड गेट के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स भी यहां पर अपन देख सकते हैं। ये आप जब एचगुड क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपको सीएसआर नेट एंड गेट का फ्री ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें बहुत सारा हमने फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें ढेर सारे वीडियो लेक्चर्स है, ऑनलाइन टेस्ट है, असाइनमेंट शीट है, जिनके थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। और आप चाहते हो अपनी प्रिपरेशन को काफी ज्यादा इफेक्टिव बनाना, बहुत अच्छी शानदार तरीके से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ही आपको सीएसआर नेट एंड गेट का फुल ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। इतना ही नहीं, इन ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करने से पहले आप फ्री ट्रायल ले सकते हो, फुल ऑनलाइन कोर्स का कुछ दिनों तक आप डेमो ले सकते हो, आप पढ़कर देख सकते हो कंप्लीट कोर्स को कि कोर्स कैसा है, कैसा उसके अंदर कंटेंट है। जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाए तो आप फिर फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं भी करें तब भी एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी इतना कंटेंट आपको दिया है कि आपकी प्रिपरेशन में ये भी 4 चांद लगा सकता है। और ये जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है इनकी पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आपको डिटेल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना या फिर कमेंट सेक्शन चेक करना बिल्कुल भी ना भूले। और भी कोई समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम जितना हो सकता है आपको पूरी पूरी हेल्प करने की यहाँ पर कोशिश जरूर करेंगे। चलो अब हम आगे वापस अपने मेन मुद्दे के बात पर आ जाते हैं। यहां पर बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका पहले एक पेपर होगा जो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, जो भी पेपर होगा उसका 80% वेटेज होगा आपके सिलेक्शन में। और जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 20% होगा। यहाँ पर देखो पेपर के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी रखा गया है, अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है तो मिनिमम आपके 35% मार्क्स आने चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तो मिनिमम 30% मार्क्स आने चाहिए, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या फिर एक्स सर्विस मैन है तो आपको मिनिमम 25% क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना जरूरी, मिनिमम ये मार्क्स आना ही चाहिए, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड की बारी आती है। अगर आप इस पेपर में शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपके पास फिर इंटरव्यू के लिए यहां पर कॉल आ जाएगा। क्लियर यहां तक? तो आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन आपकी समझ में आ गई होगी। यहां पर एक बात और दे रखी है कि अगर मान लो दो स्टूडेंट के बराबर मार्क्स आ जाते हैं और उस कंडीशन में एक स्टूडेंट की एज ज्यादा है तो जिसके एज ज्यादा है उसको यहां पर सिलेक्शन प्रायोरिटी दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। एक बात और यहाँ पर मैं बता देता हूं, आपका जो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म पेपर है, ये एग्जामिनेशन पेपर जिसमें जर्नल साइंस के जो क्वेश्चन होंगे, इन जर्नल साइंस के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ये यहाँ पर पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी एक्ट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो एक्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि कौन कौन से एक्ट है, उसके लिए आप जो इसकी वेबसाइट है सीबी की, उसी वेबसाइट पर आप जा सकते हो। वेबसाइट पर यहाँ पर आपको ये वाला एनवायरमेंटल एक्ट एंड रूल का ऑप्शन मिलेगा, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये वाला पेज यहाँ पर ओपन होगा। इसमें जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे जहाँ पर ग्रीन बुक लिखी हुई है तो आपके पास ये बुक खुल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पॉल्यूशन से रिलेटेड सारे एक्ट दे रखे, आप उन एक्ट को जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन उनमें से आने वाले हैं। इसके अलावा भी फिर और भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन चेक करना बिल्कुल भी ना भूले क्योंकि वहां से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल भी ना भूले एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करें, फ्री कोर्स ज्वाइन करें या पेड कोर्स ज्वाइन करें, लेकिन एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन आपके प्रिपरेशन में यहाँ पर 4 चांद लगा सकता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।